रूल नंबर वन, रोटेशनल काइनेमेटिक सर्कुलर की तरह स्टार्ट होता है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है, रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, वी डी एक्स बाई डी टी है तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है, ए डी वी बाई डी टी है तो एल्फा डी ओमेगा बाई डी टी है। लीनियर मोशन में अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है एस इज इक्वल टू वी टी, और इसके अंदर अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से घूमती है तो एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा। ऐसी अगर एक्सेलरेशन है तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और ऐसी इसमें अगर एल्फा है तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ मोशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर की तरह ही चलता है। तो स्टार्ट यहाँ से है, इसके बाद स्टार्ट है टॉर्क, टॉर्क या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये टॉर्क है, टॉर्क कैसे निकलता है, टॉर्क निकालने का पहला फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं है, भूलना नहीं है, आर क्रॉस एफ है। तो आर क्रॉस एफ, तो जैसे मान लो बॉडी घूम रही है, ये एक्सिस है, एक्सिस से ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ। तो इसको करना कैसे है, इसको समझते हैं। ये कुछ नहीं करना आपने, आपने इसको ऐसे करना है कि जैसे सपोज करो इसका एक शॉर्टकट है, आर क्रॉस एफ तो एक फॉर्मूला है ही, लेकिन शॉर्टकट है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एफ फोर्स लग रही है, आपको इसका टॉर्क निकालना है, और टॉर्क आपको इसका कहाँ निकालना है, अबाउट पॉइंट ओ निकालना है, इसके अबाउट निकालना है टॉर्क। तो शॉर्टकट है आर क्रॉस एफ, तो तरीका है ही, लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है। छोटा तरीका ये है, आप एफ वेक्टर को पीछे ले जाओ, ये एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है h, तो सीधा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो सीधा टॉर्क आएगा, तो एफ इनटू एच इज द आंसर। हालांकि इसको करने का लंबा तरीका भी है, लंबे तरीके में आप क्या करोगे कि जैसे आर लोगे यहां से, ये एफ है, तो इमेजिन करो ये थीटा, तो फॉर्मूला लगाओ आर एफ साइन थीटा, फिर साइन थीटा की जगह पुट करो एच बाई आर, आंसर वही आएगा। तो हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम एक दो ही फॉर्मूला याद करेंगे, या तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ तब यूज किया जाता है जब आर भी वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप में गिवन हो, एफ भी वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप में गिवन हो, फिर तो आर क्रॉस एफ लगाना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना, अदरवाइज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे सपोज करो आपको एक रॉड गिवन है और दो स्ट्रिंग्स गिवन है, रॉड की लेंथ एल है और ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को आपने काट दिया, यहां से काट दिया, तो इस एक्सिस को मानते हुए रॉड क्या करेगी, घूमेगी, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, यहां से। तो क्वेश्चन है टॉर्क निकालो इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, टॉर्क होता क्या है, फोर्स, कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है रॉड को, एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, एल बाई टू, तो टॉर्क क्या आएगा, एम जी इंटू एल बाई टू। तो ये रूल क्लियर है यहां तक। कपल क्या होता है, कपल होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो टॉर्क जनरेट करती है, उसको कपल बोलते हैं। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का मतलब एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, डी, तो फोर्स इनटू डी इज द आंसर। नेक्स्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आ सकता है पेपर में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। तो इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लैडर वाली प्रॉब्लम सुनी होगी, तो लैडर की बेसिक प्रॉब्लम आ सकती है, तो लैडर की प्रॉब्लम करेंगे, आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेन्स वालों को आने का चांस ज्यादा है, नीट वालों को छोटी प्रॉब्लम आ सकती है लैडर पे, देखो क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे दो ये दो स्टूडेंट बैठे हैं और एक सीसॉ है, तो ना तो ये ऐसे घूम रहा है ना ये ऐसे घूम रहा है, तो ये किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क इज जीरो। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन का मतलब नेट फोर्स इज जीरो, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क इज जीरो। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नेट टॉर्क जीरो। तो अब ये मान लो एक बॉडी है, अब ये घूम नहीं रही ना ऐसे, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्यों है, देखो इसका वेट क्या है, mg, ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, इसका वेट क्या है, m2g, इसकी दूरी d1, इसकी दूरी d2, तो ये टॉर्क क्या लगाएगा इधर घूमने के लिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि m1g इंटू d1, और कैसे घुमाएगा इसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज ये क्या करेगा, m2g टॉर्क अप्लाई करेगा, कितना, m2g इंटू d2, और कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाएं, तो ना ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज, आंसर ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट करते रहे। जैसे अगला क्वेश्चन है,
आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने यहां से ड्रॉप कर दिया। कहां से? एक्स नॉट से। ये पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ड्रॉप किया, ये नीचे गिरता जा रहा है mg। किसी इंस्टेंट पर इसका वेट, ये यहां पे दिखा वेट इसका mg है। आपको टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क क्या सिखाया था? फोर्स। फोर्स क्या है? mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना है? एक्स नॉट। तो आंसर क्या आएगा? mg इनटू एक्स नॉट। ठीक है यहां तक? जैसे मान लो ये आपके पास एक रॉड है और ये नाइफ्स हैं, चाकू हैं। दो चाकू के ऊपर इस रॉड को ऐसे टिका के रखा हुआ है सच दैट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल टिका के रखा हुआ है। तो जब ऐसे रखा तो इसने लगाया नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2। आपको निकालना है N1 N2 क्या होगा। क्या गिवन है आपको? रॉड का सेंटर ऑफ मास गिवन है और रॉड का टोटल वेट 4g गिवन है। आपने एक एक्स्ट्रा वेट और लगाया कितना? 6g। आपको सेंटर ऑफ मास से 5 सेंटीमीटर गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 25 गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन से ये डिस्टेंस भी 35 गिवन है। क्लियर है यहां तक? तो ये सब डिस्टेंसेस गिवन है। आपको N1 N2 निकालना है। देखो इसके अंदर ना तो ये रॉड ऊपर नीचे जा रही है ना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसमें दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है जिसमें नेट फोर्स जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है जिसमें नेट टॉर्क जीरो। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, नेट फोर्स जीरो। तो ऊपर की फोर्सेस कौन सी है? N1 प्लस N2, और नीचे की फोर्सेस कौन सी है? 4g प्लस 6g। पहली इक्वेशन। आपको N1 N2 निकालना है तो आपको N1 N2 में एक और इक्वेशन चाहिए। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये सेंटर ऑफ मास है, ये N1 कितना टॉर्क लगाएगा? फोर्स N1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 25। N2 कितना टॉर्क लगाएगा? फोर्स N2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 35। 6g कितना टॉर्क लगाएगा? फोर्स 6g इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 5। और 4g कितना टॉर्क लगाएगा? तो ये 0, क्योंकि ये खुद एक्सिस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में हम एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर लेते हैं ताकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो N1 टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा ये रॉड को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। 6g टॉर्क, 6g फोर्स कैसे लेके जाएगा रॉड को? ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। N2 भी कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 6g और N2 का टॉर्क एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज और N1 का टॉर्क एक तरफ क्लॉकवाइज, इन्हें इक्वेट कर दें। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके N1 N2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो दो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल। फिर देखो लैडर वाली प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है कभी कभी। एक लैडर है और यहाँ टिकी हुई है दीवार और फ्लोर के बीच में, फ्लोर में फ्रिक्शन है। लैडर फिसलने की कोशिश कर रही है टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहाँ कर रही है? टूवर्ड्स राइट फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन N2 है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन N1 है और लैडर का खुद का वेट है W, डिस्टेंस सारे गिवन है। तो इस केस में लैडर इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल। ट्रांसलेशन में नेट फोर्स जीरो, तो लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो लेफ्ट की फोर्स क्या है? N1। राइट की फोर्स क्या है? F। तो N1 इज इक्वल टू F। ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, ऊपर की फोर्स क्या है? N2। और नीचे की फोर्स क्या है? W। तो N2 इज इक्वल टू W। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। ठीक है यहां तक? तो दो इक्वेशंस। तीसरी, ये तो ट्रांसलेशन की है, अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन में क्या होगा कि अगर मान लो ये लैडर है, इस लैडर के ऊपर और नीचे जो भी फोर्सेज हैं, मतलब इस लैडर के दो हिस्से कर लो, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ऊपर और नीचे जो भी फोर्सेस हैं वो अपोजिट टॉर्क जनरेट करती हैं, और उन टॉर्क को आपने इक्वेट करना है। जैसे इस लैडर के इस हिस्से में कौन सी फोर्स आ रही है? N1। और दूसरी कौन सी फोर्स आ रही है? N2। और लैडर के इस हिस्से में कौन सी फोर्स आ रही है? W और F, राइट? अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको पॉइंट भी लेना पड़ेगा जिसके अबाउट ऑफ टॉर्क लगा रहे हैं। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कॉर्नर का ये पॉइंट भी हो सकता है, कॉर्नर का ये पॉइंट भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा है आप उसको एक्सेस को फिक्स कर लो।
जैसे मैं पसंद करूंगा कि इसके अबाउट में सारे टॉर्क निकाल लूं, उसका रीजन है क्योंकि जहां पर मैक्सिमम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर मैं ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं तो एन टू का टॉर्क इमीडिएटली जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एन टू पॉइंट के ऊपर ही एक्ट कर रहा है। एफ का टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन थोड़ी आसान बनेंगी क्योंकि दो टॉर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो गए। क्लियर है यहां तक? तो आप ये पॉइंट ले लो, तो एन टू का टॉर्क जीरो, एफ का टॉर्क जीरो, खत्म। अब लैडर के, लैडर का ये लेना नहीं, ये टॉर्क लेना नहीं, लैडर के इस हिस्से का फोर्स क्या है, एन वन। टॉर्क क्या होगा, एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और एक्सिस से दूरी क्या है इसकी, टू रूट टू। तो टॉर्क जनरेट क्या होगा, एन वन इंटू टू रूट टू। उसी तरीके से W टॉर्क क्या जनरेट करेगा, W इंटू दिस डिस्टेंस। तो लैडर के इस हिस्से की और इस हिस्से का टॉर्क ऑपोजिट होता है, तो एक टॉर्क एन वन जनरेट करेगा और एक टॉर्क W जनरेट करेगा। तो इन्हें इक्वेट करके इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो सिंपल है, आपने सारी फोर्सेस ड्रॉ करनी है, लेफ्ट और राइट की फोर्स को इक्वेट करना है, ऊपर नीचे की फोर्स को इक्वेट करना है, फिर आपने लैडर के ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स का टॉर्क को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में एक फर्क है, यहां दीवार में भी फ्रिक्शन है, वॉल में भी फ्रिक्शन है, फ्लोर में भी फ्रिक्शन है। रूल वही है, इसमें पहली फोर्स एन टू, दूसरी फोर्स एन वन, लैडर यहां स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन इधर, लैडर नीचे स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर, और वेट एम जी। तो रूल नंबर वन, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। तो लेफ्ट की फोर्स क्या है, एन वन, और राइट की फोर्स क्या है, म्यू टू एन टू। नीचे की फोर्स एम जी इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स एन टू। दो इक्वेशंस, एन टू प्लस, हाँ, म्यू वन एन वन, म्यू वन एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एम जी, राइट। और लास्ट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो होगा ही नहीं, किसका होगा, ये लैडर को यहां एक्सटेंड करो, इस तरफ का टॉर्क, ये दो फोर्सेस हैं लैडर के इस तरफ, इस पार है, इस पार कौन सी फोर्स है, सिर्फ mg। तो इन दोनों का टॉर्क इज इक्वल टू इसका टॉर्क, इक्वेट। तो mg का टॉर्क क्या होगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। n1 का टॉर्क क्या होगा, n1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका टॉर्क क्या होगा, म्यू वन एन वन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इक्वेट कर देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अपने आप इक्वेट हो जाएंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा। ये टेक्निक है लेटर वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाती हैं लेटर वाली प्रॉब्लम्स, तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल मोमेंट कैसे काम करेगा। इसके बेस पे ये लो प्रिंसिपल मोमेंट, मैं आपको 25-30 मिनट का वीडियो सेंड करूंगा, वो आपने सुनना है पक्का, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक। क्या एक्सपेरिमेंट का, हाउ टू चेक या हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, दो क्वेश्चन। देखो आपका जो क्वेश्चन आएगा, या तो वो यूनिट्स एंड डायमेंशन में से आएगा, या वो एरर में से आएगा, या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज में से, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब अगर किस्मत अच्छी है तो एरर का आएगा, और अच्छी है यूनिट एंड डायमेंशन का आएगा। अब सबकी अच्छी नहीं है, वन थर्ड की ठीक नहीं निकलेगी, तो उनको क्या आएगा, स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर आएगा। तो 15-20 मिनट का वो काम है, वो आपने सुन लेना है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी बता रखे हैं कैसे करना है,
सफिशियंट, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही एक और टॉपिक है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स सेम प्रॉब्लम है, काइनेमैटिक्स सबसे एंड में करना चाहिए। इसके तो इतने ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो होगा नहीं। तो वो बेस्ट है, मैं आपको वो आधे घंटे का वो भी काम दूंगा। ये दो टॉपिक जो हैं वो आपने सुनने हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर, अभी आपको लग रहा है बहुत टाइम पड़ा है, अगले साल है पेपर। अभी जैसी जनवरी आएगा ना तो वो दिन रह जाएंगे 20। प्लस टू तो फिर भी हैंडल हो जाएगी, प्लस वन हैंडल, अब स्क्रू गॉज कौन करेगा इतने प्रेशर में। अभी तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसीलिए मेरी कोशिश है प्लस वन के जितने टॉपिक हो सकते हैं इन दिनों में फटाफट कर दें, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक्स हैं जो आपने उसमें से करने हैं, ज्यादा नहीं है, एक आध घंटे का काम है, इससे ऊपर काम नहीं है, थोड़ा काम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रूल समझो, आप इसमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत लगाना। रीजन, फोर्स एक तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और दूसरा फोर्स का एंगल आपको पता नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ नहीं पाएंगे इसमें। आपको क्या पता ऐसे फोर्स है कि ऐसे फोर्स है कि ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स है, आपको नहीं पता लगेगा इसमें। आप इसमें आर क्रॉस एफ यूज करेंगे। आर क्रॉस एफ कैसे यूज करेंगे, वो कह रहे टॉर्क निकालो पहले ओ पॉइंट के अबाउट। तो एक काम करते हैं, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, और फोर्स कहाँ पर लग रही है, पी पे। तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकालो पहले, क्या होगा पी पॉइंट का। तो ये है एक्स और ये है वाई, तो ये साइड गिवन है, वाई और एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसका पोजीशन वेक्टर पता है क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एफ वैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, आर वैक्टर आप निकाल लेंगे यहाँ से एक्स कॉमा वाई से, तो यहाँ से क्या करेंगे आर क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट O, पहला मेथड। O पॉइंट के अबाउट है अभी, इसके बाद कहां निकालना है, Q के अबाउट। तो जब आपने O पॉइंट के अबाउट लिया था तो आपने ओरिजिन O को माना था, अब अगर वो Q पॉइंट कह रहा है तो अब आप ओरिजिन किसे मानेंगे, Q को मानेंगे। तो Q को जब मानेंगे तो y एक्सिस तो वही है, x एक्सिस नेगेटिव में हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एफ वेक्टर गिवन है, तो यहां से क्या करेंगे आर टू वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसमें बताना चाह रहा हूं कि जब उसने ओ पॉइंट बोला तो ओ को ओरिजिन लेना है, जब उसने Q पॉइंट बोला तो आपने फिर Q का ओरिजिन लेना है। इसीलिए दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार R1 वेक्टर में X और Y दोनों पॉजिटिव हैं, और दूसरी बार R2 वेक्टर में X नेगेटिव है और Y पॉजिटिव है, फिर R क्रॉस F, R क्रॉस F। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ये अभी हमने किया नहीं। ये लो, इस क्वेश्चन में फोर्स वेक्टर गिवन है, एक्स एट अ पॉइंट गिवन, दे दिया उसने आर वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस, अब ये आर टू वेक्टर दे रहे हैं, ये आर वन वेक्टर या आर टू वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करके आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये आर वन वेक्टर या आर टू वेक्टर, दोनों को माइनस करके आर वेक्टर, फिर आर क्रॉस एफ से टॉर्क आएगा। जब भी दो पोजिशन गिवन होती हैं तो आप आर वन वेक्टर गिवन होगा, आर टू वेक्टर गिवन होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करके आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के, बहुत ज़्यादा नहीं आए, बट ठीक है, आर क्रॉस एफ पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है पुराने पेपर में यार 2022 में शायद और भी आए हों, मैं कह नहीं सकता, आप चेक कर लेना एक बार। बट हाँ, आपने देख लिया, आपको आइडिया हो गया कि नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं, आर क्रॉस एफ के ऊपर ज़्यादा काम करवा रहा है। अगला जो काम है हमारा इसमें, जो नेक्स्ट काम है वो है रोटेशनल काइनेमैटिक्स। रोटेशनल काइनेमैटिक्स क्या है,
कि जैसे वी इज यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी पे इक्वेशन लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट मास है जो रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी 2 रेडियंस पर सेकेंड एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 4 रेडियंस पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है कितनी देर में, 2 सेकेंड में। एल्फा निकालो तो अप्लाई कर देना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, काइनेमेटिक्स है। थीटा निकालो, ओमेगा नॉट 0 है तो सॉरी 0 नहीं है, 2 है, टाइम 2 सेकेंड में अगर थीटा निकालना है तो जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा टी स्क्वायर कैन बी अप्लाइड। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है बॉडी कवर्स थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड एंड थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो दोनों की रेशियो निकालो। 2 केस बनेंगे, ओमेगा नॉट तो इसमें 0 है, थीटा 1 2 सेकेंड में कवर हो रहा है हाफ इंटू एल्फा इंटू 2 स्क्वायर, और अगले 2 सेकेंड में थीटा 2 एंगल कवर हो रहा है, तो शुरू से कितना एंगल कवर हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2, 0 प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू 2 प्लस 2 कितने सेकेंड, 4 स्क्वायर। तो डिवाइड करके थीटा 1 थीटा 2 कैन बी कैलकुलेटेड, रेशियो आ जाएगी इसकी। तो ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से रोटेशनल काइनेमेटिक्स चलता है। अब जो हमने काम करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सीक्वेंस चल कैसे कह रहा है रोटेशनल का पहले बता देता हूं। जैसे हम लॉज ऑफ मोशन में एक इक्वेशन यूज करते थे, मास इंटू फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल, और पहले दिन से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते थे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। इसमें रोटेशनल में स्टार्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो काम लीनियर में फोर्स करता है वो काम इसमें कौन करता है, टॉर्क करता है। लॉज ऑफ मोशन में लीनियर मोशन में पॉइंट मास लिया करते थे एम, पॉइंट मास है। इस रोटेशनल मोशन में मास के साथ शेप भी मैटर करती है, डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, मास और शेप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम उसमें एम करता है वो काम इसमें कौन करेगा, आई करेगा, जो काम उसमें ए करता है वो काम इसमें एल्फा करेगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा। तो टॉर्क का पहला फॉर्मूला आर क्रॉस एफ और दूसरा फॉर्मूला आई इंटू एल्फा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो पहले आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, टॉर्क की, हमें हो गई, हमने कर लिया टॉर्क। फिर नॉलेज होनी चाहिए रोटेशनल काइनेमेटिक्स की, हाउ टू कैलकुलेट एल्फा ओमेगा, ओमेगा नॉट गिवन है वो भी हमने देख लिया। अब लास्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो अब लास्ट पार्ट है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम आए रूल नंबर 1, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी पॉइंट मास का उसके किसी भी एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अगर एक रिंग है, रिंग का एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। लिख लो रिंग का एम आर स्क्वायर। ठीक, तो पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, रिंग का भी एम आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क। अगर डिस्क का एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं तो आई का फॉर्मूला इसमें क्या पुट करेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है स्ट्रेट रॉड। अगर रॉड का एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो रॉड का आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर और रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और अगर ये हॉलो है, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में नोट कर ले फॉर्मूला रहेगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड में 2/5 एम आर स्क्वायर और हॉलो में 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर एक सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का यहां पर क्या होगा, सेंटर के अबाउट एक्सिस में हाफ एम आर स्क्वायर। और ऐसे अगर सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस यहां से पास कर रहा है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला एम इन टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। ठीक, तो ये फॉर्मूलाज हैं। एक और फॉर्मूला नोट करो, अगर एक लैमिना 2D बॉडी है, शीट है, ये L है, ये B है, रेक्टेंगुलर शीट है,
और एक्सिस यहां से पास कर रहा है, फॉर्मूला इज एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर होगा तो एल और एल को बराबर पुट कर देना एल और बी को, तो रेक्टेंगुलर लैमिना में एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई के तो फॉर्मूलाज ही याद कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है वो है थ्योरम्स। दो थ्योरम्स ही, एक थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पूछा जाएगा। नीट में तो 100% ही चांस आएगा, नॉन मेडिकल में देखो आई का भी आ सकता है, एनर्जी का भी आ सकता है, पर बहुत चांस है कि आई के ऊपर क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। ठीक, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे ज्यादा आता है। तो हम दो थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे पहले लगती किस पे है, लैमिना पे। लैमिना का मतलब जैसे शीट, 2D बॉडी, सेयर पे नहीं लगती, लैमिना शीट टाइप बॉडी पे लगती है, 2D बॉडी डिस्क पे लगती है। तो मान लो ये एक एक्सिस है, ये इसका दूसरा एक्सिस है और इसका तीसरा एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलती है कि इनमें से दो एक्सिस एक्स और वाई एक प्लेन में है और तीसरा एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है। तो जो आउट ऑफ प्लेन एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दो एक्सिस एक्स और वाई है उनके सम के इक्वल है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करो और z के अलोंग वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आपने ऐसे याद नहीं करना कि ये z है, ये x है, ये y है, कल को हो सकता है उसको x नाम दे दे। आपने ऐसे याद करना है कि दो एक्सिस एक प्लेन में होंगे, उनका जो सम होगा वो तीसरे एक्सिस के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे इसको लगाना कैसे है, सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग, अभी हमने क्या याद किया था, एम आर स्क्वायर। मेरे को इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट आई की वैल्यू निकालनी है। अब जो डायमीटर है हम ऐसे लेंगे बाय सिमेट्री, ताकि दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हों। तो दो डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, इनके सेंटर से। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रहेगा, सिमेट्री है। और रूल क्या कहता है थ्योरम का, कि जो थर्ड एक्सिस है जो बाहर जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक शॉर्टकट करेंगे, ये भी लगाएंगे। शॉर्टकट ये है कि अगर किसी भी 2D बॉडी का, जैसे एक मान लो आपके पास डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर है, तो डायमीटर में वैल्यू हाफ हो जाती है। हाफ एम आर स्क्वायर का आधा क्या है, 1/4 एम आर स्क्वायर है। जैसे रिंग है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, तो बोलो डायमीटर के अबाउट इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 एम आर। बस ये एक शॉर्टकट याद रखेंगे। तो पॉइंट क्लियर है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से शॉर्टकट कैसे लगेगा इसमें। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे ज्यादा आते हैं। पैरेलल एक्सिस का रिजल्ट बहुत आसान है। पैरेलल एक्सिस का पहला रिजल्ट ये है कि मान लो कोई एक्सिस है और वो कहां से पास कर रहा है, सेबॉडी के सेंटर ऑफ मास में से। ये जरूरी है, मान लो सेंटर ऑफ मास में से कोई एक्सिस पास कर रहा है और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। कोई एक्सिस मैं यहां लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई प्लस एम एच स्क्वायर। तो टोटल जो सेंटर ऑफ मास का आई है वो तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल ऐड कर देना है। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। इसको लगाना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है।
जैसे सपोज करो ये आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, और ये एक्सिस कहां से पास करता है, इसके सेंटर ऑफ मास से। मान लो ये एक एक्सिस है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो इसके अबाउट आई पता है क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में एम आर स्क्वायर भी होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे एक रिंग है, एक रिंग का ये एक्सिस है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आएगा, 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक रॉड है, सपोज एक रॉड है, इस रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, और ये डिस्टेंस एल बाय 2 है, तो टेंजेंट एक्सिस पे क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 तो आएगा ही आएगा, प्लस एम इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर भी आएगा, एड करोगे तो एम एल स्क्वायर बाय क्या आएगा, 3। याद रखना है, तो रॉड का टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3। क्लियर है? तो कैसे लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन आ रहा है समझ? Yes, sir. ठीक, जैसे क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क के टेंजेंट के अबाउट आई निकालो। अब टेंजेंट ना दो टाइप की होती है, एक तो ये टेंजेंट है ना जो यहां टच करती हुई जा रही है, और दूसरी ये भी तो टेंजेंट है, हमें क्या पता कौन सी टेंजेंट लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट टेंजेंट ये ली जाती है, जब कुछ मेंशन ना हो ये नहीं लेनी, ये लेनी है टेंजेंट। तो इसको क्वेश्चन को करना कैसे है, ये देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि आपके पास इसके अबाउट आई निकालना है, ये जो एक्सिस है ये डिस्क का क्या है, डायमीटर, और डिस्क के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो आपको आर डिस्टेंस पे आई निकालना है, तो क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 5/4 एम आर स्क्वायर। जैसे एक रिंग है, रिंग के डायमीटर के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आर डिस्टेंस दूर आंसर क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। थ्योरम क्लियर है कैसे काम करेगी इसमें? ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। ये लो,
देखो कितने लोगों का आंसर आया। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसान है, एक सॉलिड सिलेंडर है ध्यान आगे, जिसकी लेंथ गिवन है और रेडियस भी गिवन है। आपको क्वेश्चन में निकालना है इसकी डेंसिटी क्या होगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सीडी के अबाउट 2.7 है। एक बात बताओ, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या हाफ एम आर स्क्वायर? बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सीडी के अबाउट क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास इनटू एल बाय टू का स्क्वायर। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 2.7। सारी वैल्यूज को पुट करके मास आएगा सिलेंडर का, मास आ गया। तो डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का पता है, मास निकाल लिया आंसर। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे होगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के मास आएगा। ये देखो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, ध्यान आगे एक स्क्वायर प्लेट है, ध्यान आगे स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट का ये रही स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर, इधर ध्यान आगे प्लीज, स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पे एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट आई निकालना है। मैंने आपको इसके अबाउट आई बताया एम बाय 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मुझे पता है कि इन दोनों एक्सिस में हाफ द डायगनल, डायगनल का आधा जो भी होता है उतनी दूरी है, हाफ द डायगनल एल बाई रूट टू होती होगी, ए बाई रूट टू, एल बाई रूट टू। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, तो इसके अबाउट क्या होगा? ये तो होगा ही होगा, प्लस मास इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, ऐड कर दोगे आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या करना है? इसमें सेंटर के अबाउट तो पता ही है, और कॉर्नर के अबाउट क्या करना पड़ेगा? कॉर्नर के अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, ये लो। क्वेश्चन है, कंसिडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। एक वायर है, लेंथ एल है, उसको सेमी सर्कल में बना दिया, तो सेमी सर्कल में जो लेंथ होगी वो क्या होगी? पाई आर। तो वहां से रेडियस आ जाएगा। आपको आई बताने क्या होगा, याद रखना सर्कल या सेमी सर्कल का आई का फॉर्मूला सेम होता है एम आर स्क्वायर, सर्कल या सेमी सर्कल का आई सेम होता है। तो रेडियस यहां से निकाल लेना, पुट कर देना आंसर। बस में ये याद रखना था कि सर्कल सेमी सर्कल का आई सेम होता है, तो रेडियस तो निकाल ही लोगे लेंथ की फॉर्म में आंसर। ये रहा बैडमिंटन वाला क्वेश्चन।
देखो क्या क्वेश्चन है कि आपके सामने वो कह रहा है कि एक बैडमिंटन का रैकेट है, बैडमिंटन के रैकेट की जाली का कोई मास नहीं लेना, ये रिंग लेनी है और एक रॉड लेनी है, दो चीज़ें हैं आपको। ये गिवन है कि इसका मास और रॉड का मास बराबर है, रिंग का मास भी एम है और रॉड का मास भी एम है, थ्रेड्स का निग्लिजिबल मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए ऑफ द हैंडल, तो आपको क्या करना है, एंड ए से आर बाई टू डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अबाउट आपको आई बताना है क्या होगा। तो आपके पास दो फिगर्स हैं, एक आपके पास रिंग है, आप एक काम करो रिंग के डायमीटर के अलोंग फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आपको आई इस पे निकालना है। तो आप ये ज्योमेट्री लगाना, ये आर है, ये सिक्स आर माइनस आर बाई टू है तो डिस्टेंस प्लस आर आ जाएगा, तो डिस्टेंस निकाल लेना ये वाला। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बनेगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस क्या आएगा, ये आर है, ये आर है और ये कितना है, सिक्स आर माइनस आर बाई टू है, तो एच आ जाएगा यहाँ से। तो एक आंसर आ गया यहाँ पर, इस रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सिस पे क्या होगा, ये एक आंसर है पहला। दूसरा अब रॉड की बात करते हैं, रॉड में क्या करना है, रॉड में सबसे पहले एक इमेजिन करो ये एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, क्योंकि अगर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है तो पहला एक्सिस कहां से पास करना चाहिए, उसके सेंटर ऑफ मास में से। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये 6r है तो लेंथ इसमें 6r पुट कर देना। आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से यहां पर एक्सिस शिफ्ट करना पड़ेगा, अब ये डिस्टेंस निकाल लेना, अगर ये 6r है तो आधा कितना है, 3r है, 3r में से r बाय 2 गया तो ये बन गया 3r माइनस r बाय 2, तो क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक बार रिंग का एक्सिस शिफ्ट करेंगे, एक बार रॉड का एक्सिस शिफ्ट करेंगे, दोनों आई को ऐड कर देंगे, एक बार ये देखो इस रिंग का शिफ्ट करेंगे, एक बार इसमें रॉड का शिफ्ट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर से। कैलकुलेशन खुद कर लेना एक बार, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें लॉजिक लगाया इसमें, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, तो पहला टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क पे, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखो दिख रहा है पुराने पेपर से क्लियर दिखता है कि क्या कैटेगरी है क्वेश्चंस की। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल देखो, तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, टॉर्क का पहला फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आई टाइम्स अल्फा, दो फॉर्मूलास टॉर्क के। जैसे न्यूटन के लॉज में अगर एक फोर्स 10 है एक 2 है तो नेट फोर्स क्या है, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें रोटेशनल मोशन में नेट फोर्स की जगह नेट टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा, तो ये याद रखना है आपने। इसके बाद आपने ये याद रखना है इसमें कि जैसे मान लो एक पुली और दो मासेज हैं, लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में ये किया था कि पुली का मास नहीं लेना, सिर्फ ब्लॉक के मास और एक्सेलरेशन निकालो। इस क्वेश्चन में पुली का मास भी लेना है और पुली को डिस्क ट्रीट किया जाता है, तो पुली एक डिस्क है, तो अब आपके पास तीन मासेज हैं, एक दो और तीन, तो जब पुली का मास लेना होता है तो टेंशन सेम नहीं रहती, जब पुली का मास नहीं लेना तो टेंशन सेम रहती है पूरी स्ट्रिंग में, जब पुली का मास लेना है तो टेंशन T1 T1 T2 T2 अलग अलग हो जाएगी। तो पहली क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से बनेगी, ये मास नीचे आ रहा है तो 3g माइनस T2 इज 3a, और दूसरी क्वेश्चन T1 माइनस 2g इज 2a, और तीसरी क्वेश्चन पुली में से, पुली के इधर T2 इधर T1, और पुली कहाँ मूव कर रही है, क्लॉकवाइज, तो T2 का टॉर्क बड़ा होगा T1 के टॉर्क से, T2 का टॉर्क क्या होगा R इंटू T2, T1 का टॉर्क क्या होगा R into T1, तो नेट टॉर्क क्या होगा, बड़े टॉर्क में से छोटे टॉर्क को माइनस, इज इक्वल टू I टाइम्स अल्फा। डिस्क का I क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और याद रखना A क्या होता है, R अल्फा, जैसे V इज इक्वल टू R ओमेगा, A इज इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, A बाय R, एक और इक्वेशन,
तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1, T2 एंड A कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे सपोज करो, फिर देखो, इस बार दो मासेस हैं और इंक्लाइन प्लेन है, इस बार पुली का मास है। पहली इक्वेशन वही है लॉज ऑफ मोशन की, 3g sin 30 minus T1 is 3a, दूसरी T2 minus 2g sin 60 is 2a, तीसरी पुली की। पुली की इक्वेशन कैसे बनेगी, इधर ऐड कर रहा है T1 और इधर ऐड कर रहा है T2 और पुली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। T1 का टॉर्क बड़ा होगा कितना, T1r, T2 का छोटा होगा T2r, तो बड़ा क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम एल्फा। पुली का आई इज हाफ mr स्क्वायर और एल्फा की जगह a बाय r। फिर से एक और इक्वेशन, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तीनों इक्वेशंस को, आंसर आएगा। टेक्निक है, अगर पुली का मास गिवन हो तो आपने रोटेशनल मोशन से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास एक रॉड है और दो स्ट्रिंग्स हैं, टेंशन टी है रॉड में, आपने इसको काट दिया, आज हमने किया, इसका वेट है mg। पहला क्वेश्चन है टॉर्क निकाल लो, किया था हमने, टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक। दूसरा क्वेश्चन, जब ये स्ट्रिंग टूटेगी और ये घूमेगा तो एक्सिस कहाँ से पास करेगा, यहाँ से, इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, और ये एक्सिस रॉड का टेंजेंट है, और टेंजेंट के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है रॉड का, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो क्वेश्चन है एल्फा निकाल लो, टॉर्क हमने निकाल लिया, टॉर्क का एक और फॉर्मूला हमें आता है आई टाइम्स एल्फा, इक्वेट कर दिया, आई एम एल स्क्वायर बाई थ्री एल्फा आ गया, ठीक। दूसरा भी प्रॉब्लम क्लियर है, टॉर्क के दोनों को फॉर्मूलाज को यूज करके एल्फा आ गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, जब ये स्ट्रिंग टूटेगी तो ये रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे सर्कल में इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे नीचे आएगी, ऐसे घूमती हुई नीचे आएगी, सेंटर ऑफ मास यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ ऐसे जाएगा। सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहे, एल बाई टू। तो जैसे स्ट्रिंग टूटी, आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है क्या होगी। तो आप एक काम करें, सर्कुलर मोशन में आप, क्योंकि एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास टेंजेंट है, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा लगा दें, एल्फा हम निकाल चुके हैं दूसरे पार्ट में, और रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे, एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहे हैं, एल बाई टू। तो यहां से आपके पास ए सेंटर ऑफ मास आ गया, तो समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास एल बाई टू रेडियस में घूम रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा। क्वेश्चन है, आप टेंशन निकाल दें स्ट्रिंग में कितनी होगी, टेंशन के लिए वेट नीचे है और टी ऊपर है, जैसे स्ट्रिंग को काटा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हमें पता है, तो लॉज ऑफ मोशन लगा लो, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो आपको टी निकालना है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के हम निकाल चुके हैं आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए रॉड में स्ट्रिंग काटने वाले, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, स्टार्ट टॉर्क से ही होगा सारा काम, टॉर्क से स्टार्टिंग होगी इसकी। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है रोलिंग का। देखो, रोलिंग के अंदर रूल नंबर वन, रोलिंग का मतलब टायर का आगे भी जाना और घूमना भी। पहले टाइप की मोशन होती है ओनली ट्रांसलेशन मोशन, दूसरे टाइप की मोशन होती है खड़े खड़े बॉडी का घूमना, रोटेट, प्योर रोटेशन, और तीसरा रोटेट भी करना और ट्रांसलेट भी करना, यानी कि रोलिंग। तो रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। रूल नंबर वन, जब कोई बॉडी रोल करेगी उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सीधा जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आर ओमेगा, पहला फॉर्मूला। प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसके अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ ऐसा है कि जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर का वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², पर अगर मान लो स्फीयर को पॉइंट मास लें और एक एक्सिस के अबाउट घुमाएं, तो एक्सिस से उसका इमेजिनरी डिस्टेंस लिया जाता है के, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mk², दोनों बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो k² / r² क्या आएगा, 2/5। तो k² / r² क्यों निकालते हैं अभी बताऊंगा, पर कैसे निकालते हैं पहले ये समझ लो। तो अगर स्फीयर का आए पता है, उसको mk² पुट करके k² / r² आ गया। जैसे डिस्क का निकाल लें, डिस्क का हाइट 1/2 mr² है और पॉइंट मास के हिसाब से गायरेशन की फॉर्म में mk², इक्वेट करके हाफ आ गया। शॉर्टकट है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 mr² है, तो ये जो कोफिशिएंट है यही क्या होता है, k² / r², 1/2 mr² है तो k² / r² हाफ है, 1 mr² है तो 1 है। तो ये यूज कैसे करते हैं इसको एक बार देखते हैं, लेकिन उससे पहले, एक कोई भी बॉडी अगर रोल करती हुई इंक्लाइन प्लेन से नीचे आती है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, फॉर्मूला नोट करें, एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा
अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बॉडी अगर रोल करती हुई इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रही है तो ये उसकी एक्सेलरेशन है। अब एक बात बताएं, अगर ये रिंग है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का क्या होगा, वन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी रिंग की। अगर ये मान लो डिस्क है तो हाफ, सॉलिड स्फीयर है 2/5। तो किसी भी बॉडी की आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, जैसे सपोज करो क्वेश्चन आएगा तीन बॉडीज हैं, स्फीयर, डिस्क और रिंग, तीनों को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया, रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं, कौन पहले नीचे पहुंचेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस एस है, एक्सेलरेशन मुझे पता है एस इज 0 + 1/2 80 स्क्वायर, टाइम आ गया। जिसकी एक्सेलरेशन कम होगी उसका टाइम टेकन ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्फीयर का 2/5 है, डिस्क का हाफ है, रिंग का तो बहुत ही बड़ा है। रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है, और अगर रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसकी कम है, और एक्सेलरेशन कम है तो टाइम टेकन उसका, तो एक सेकेंड में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही बता देगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद ये जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी। एनर्जी में अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट करती हुई आगे जा रही है तो उसके पास ट्रांसलेशन एनर्जी है 1/2 mv². खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है, खड़ी खड़ी रोटेट करने में एनर्जी होती है 1/2 iω², और अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो फिर दोनों का सम ले लो 1/2 mv² एंड 1/2 iω². ऐसे भी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं रोलिंग में। इसको अगर मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करके ये नोट करें, ये भी टोटल एनर्जी है, मतलब या तो ये नोट करें, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 mv² × 1 + k² / r², कोई बॉडी रोल करेगी तो ये इसकी टोटल एनर्जी है। ये ज्यादा आसान है क्योंकि अगर क्वेश्चन में स्फीयर आ गया तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 पुट कर दो, अगर डिस्क आ गया हाफ पुट कर दो, तो किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये भी क्लियर है यहां तक? जैसे आपको क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एच हाइट से इनको रिलीज कर दिया, तीनों नीचे पहुंचे, वी वेलोसिटी बताओ सेंटर ऑफ मास की क्या थी तीनों की। अब एनर्जी कंजर्वेशन जैसे वर्क पर एनर्जी में लगाते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहां पर और यहां पर सेम, तो यहां पर सिर्फ पोटेंशियल है mgh, काइनेटिक जीरो है, और नीचे सिर्फ रोलिंग है और पोटेंशियल जीरो है, तो यहां से वेलोसिटी आ गई। अब अगर ये मान लो डिस्क है तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हाफ पुट कर दो, अगर ये रिंग है 1 पुट कर दो, स्फीयर है 2/5 पुट कर दो, यहां से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?